किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, हम किसान हैं आप जानते हैं, और हमारी बगिया आप देख पा रहे हैं ये पूरा बढ़िया तैयार है। अब हम बैंगन की लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पीछे भी आप देखिए कि लाइनिंग पूरी लगी हुई है और ये बैंगन की तैयारी चल रही थी। तो हुआ क्या कि हमारे खेत में पानी चला गया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई को अगर सपोज दैट यहाँ ड्रिप लगी हुई थी, यहाँ से पानी खुल गया और यहाँ आ गया, किसी भी कारण से खुल सकता है, और इतनी दूर का एरिया हमारा जो है 20 फीट का लगभग ये पूरा एरिया हमारा पानी से भर गया, तो ये कच्चा हो गया। बाकी आप देख पा रहे हैं कि मल्चिंग पहले से पीछे लगी हुई है। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये पावर टिलर है और ये यश राजा का पावर टिलर है। हमने लगभग 6 साल होने वाले हैं धीरे धीरे इसको लिए हुए, और अभी भी वैसे ही दमदारी पे चल रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे पावर टिलर आ चुके हैं मार्केट में, उन पे आप बहुत ध्यान न दीजिएगा, आप अच्छी क्वालिटी लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी लेना है, मैंने जो लिया मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने यश राजा का लिया, और मेरे पास भी एजेंसी है, मैं पावर टिलर किसान भाइयों को यहाँ से अवेलेबल करके देता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम किसानों को घर तक पहुँच करके जो हमारे अगल बगल के जो भी किसान हैं उनको मैं सर्विस भी दे देता हूँ। हमारे पास जो मिस्त्री है वो अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो जा करके वहाँ पर रिपेयर भी करता है। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि ये छोटा सा जो छूट एरिया बचा हुआ है हम इसको कितना बढ़िया ढंग से इसकी जुताई करते हैं, और उसके बाद इसको हम बाकी बचा हुआ तैयारी कर लेंगे। हमारा नंबर चल रहा है, अगर आप किसी भी सज्जन को चाहिए होगा तो पावर टिलर के लिए संपर्क जरूर करिएगा। हमारे अगल बगल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे दे सकता हूँ, जहाँ पे सर्विस भी दे सकूँ, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको कोई प्रॉब्लम भविष्य में ना हो। और अगर कोई भी हो किसान ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं से लिए हो कोई मतलब नहीं है, मेरे से जो हेल्प मिल सकती है, हमारे सुल्तानपुर का एक बंदा है उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको डालता हूँ कि देखिए वो उनकी क्या भाषा है, कि उनको क्या कहा गया था कंपनी से और क्या खर्चा उनका लगा है मेरे द्वारा बात करने के बाद। मैंने घर बैठे उनका पावर टिलर रिपेयर कराया, उनके द्वारा रिपेयर कराया। मात्र छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं जिनके हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं, तो हमसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। और जो भी किसान हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ के भी हो, किससे लिया है, कौन सा पावर टिलर है, उससे मेरा मतलब नहीं है। आपको कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको इतना दिखाते हैं कि एरिया हम जुताई करते हैं और क्या इसका रिजल्ट आता है। किसान भाइयों,
जिस किसान की मैं बात कर रहा था कि पावर टिलर की हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं, तो आज ये किसान भाई अपनी जबानी बताएंगे कि इनको क्या नुकसान हो रहा था और जब इन्होंने मुझसे बात किया तो क्या फायदा हुआ है। तो आप बताइए थोड़ा सा, आप कहाँ से आए, अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। तो सुल्तानपुर जिला है जी, हम सर के पास आए थे। पहले तो कंपनी में फोन किए, उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सर के पास फोन किए तो उनको बताया नहीं। एक चीज बताइए आपको, जैसे कि आपने बात किया तो कंपनी ने क्या बोला कि कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, सारा सामान आपको बताया कि रिंग लगेगा, पिस्टन लगेगा, क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि इसमें 4,000 रुपए लगेंगे। हाँ। इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है। हाँ। नया लगेगा। हाँ। उसके बाद सर हम आपके पास फोन किए। हाँ। चार पैसा भी नहीं लगा। हाँ। चल रहा है पावर टिलर हमारा, बन गया जी सर। तो केवल आपको जो हमने बताया वो आपने कर दिया, आपका पावर टिलर चलने लगा। आप बहुत परेशान थे उस समय जी सर। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि चैनल को ये सब्सक्राइब करें कि ना करें? सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। किसान भाइयों, इसी तरीके से मैं हर किसान की मदद करता हूं। आप कहां से पावर टिलर लिए हैं, किससे लिए हैं, कोई लेना देना नहीं। मैं आपको दे सकता हूं, जो मेरे अगल बगल वाले लोग हैं उनको मैं पावर टिलर अपने पास से मुहैया करा सकता हूं और आपको अच्छी सर्विस मैं दूंगा। सबसे बड़ी चीज क्या है किसान भाइयों की, जो भी कंपनी वाले लोग हैं, जो भी लोग फोन उठाते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही आपके साथ हुआ है जी सर। लेकिन हमने आपको स्टेप वाइज बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है जी। ठीक है जी। तो अभी आप मेरे पास मिलने के लिए आए हैं, शुक्रिया अदा करने आए हैं कि सर मेरा पावर टिलर ठीक हो गया, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ। और लगभग लगभग कितना किलोमीटर दूर से आए हैं सर आप? सर हम आए हैं 55 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं इस गर्मी में। तो दोस्तों आपको जरूरत है तो आप शुक्रिया अदा करने बताइएगा। इनकी ख्वाहिश थी कि सर मैं आपसे मिलना चाहूंगा। इन्होंने कुछ मुझसे ट्रेनिंग ली है मूली के बारे में, बैगन के बारे में और गोभी के बारे में। तो मेरे पास आप लोगों के लिए हरदम दरवाजा खुला है, चाहे जब आइए, कोई टेंशन नहीं है और हम आपकी हर कदम पर मदद करेंगे, चाहे पावर टिलर हो और चाहे खेती हो। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।